हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम, जिसके हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अंत तक हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके तीन मेथड हैं, हम तीनों के तीनों करेंगे। तो फर्स्ट है, जैसे 12 और 18 का हमने एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो 12 किन किन के टेबल पे आता है? तो ये आता है 1, 2, 3, 4, 6 और 12 के टेबल में, और 18 आता है 1, 2, 3, 6, 9 और 18 के टेबल में। इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वह है 6, जो दोनों में कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 6, ठीक है ना। सेकंड मेथड है एलसीएम की तरह ही हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इससे 12 और 18 को लिख लेंगे हम। तो पहले इनको 2 से डिवाइड करेंगे दोनों, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास बच गया 6 और 9। इनमें भी 3 कॉमन निकल सकता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 और 3 बच गया। इनमें से कोई कॉमन मल्टीपल हम नहीं निकाल सकते, तो 2 × 3, 6, इस प्रकार हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। और जो थर्ड मेथड है वह है डिविजिबल मेथड। तो 18 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12 और कॉसेंट बच, रिमाइंडर बचेगा 6, इसको हम 12 डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बच गया क्रॉस और 0, तो ये हुआ हमारा 6 है जो एचसीएफ आंसर, ठीक है ना। आगे आप इसको डीपली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलसीएम निकालने के मेथड। तो एलसीएम निकाला है 12 और 18 का, 12 का हम टेबल लिख लेंगे, 12, 24, 36, 48 और 18 का भी इसी प्रकार लिख लेंगे, 18, 36, जो इनमें लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो होता है एलसीएम, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर है 36, तो 36 हुआ हमारा एलसीएम। सेकंड मेथड है एलसीएम निकालने का, 12 और 18 को लिख लिया हमने और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 6 और 9, तो ये 3 से डिवाइड होते हैं, 2 और 3। अब इन तीन इन सबको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 36, ठीक है ना। तो अब हम सम कर तो अब हम सम करते हैं। जैसे हमने एचसीएफ फाइंड करना है 13, 44, 18, 56 और 57, 52 का, तो इसके लिए हम जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वैल्यू 13, 44 है, उसको 57, 52 से डिवाइड करेंगे, तो उसका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि बीच वाला होता है डिविजिबल होता ही है, ठीक है ना। तो 13, 44 को हम 57, 52 से डिवाइड करेंगे, तो जे 2 पर गया और हमारे पास आ गया है 64, बाकी बच गया रिमाइंडर आ गया है। अब इसको हम 64 है जो इससे डिवाइड करेंगे, तो जे 21 पर गया और हमारे पास 0 आ गया, तो हमारा 64 हुआ जो एचसीएफ आ गया। तो 64 को अगर हम 18, 56 से डिवाइड करके देखना चाहते हैं, तो जे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 18, 56 से। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो जो इन दोनों का डिविजिबल करके एचसीएफ निकले वह ही हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। और एक बात और, अगर किसी सम में डिवाइड और डिवाइडिंग लिखा हुआ हो तो हमने एचसीएफ निकालना होता है, अगर डिवाइड बाय लिखा हुआ हो तो एलसीएम निकालना होता है। चलो आगे करते हैं अब हम। तो पहले हम टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर उस टॉपिक के सम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सम। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड एबीसी। कोई ग्रेटेस्ट नंबर है जब वो एबीसी को डिवाइड करता है, रिमाइंडर लीव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, तो एक्स वाई जेड रिमाइंडर देता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास आया डिवाइड, मैंने पिछली स्लाइड में कहा था अगर डिवाइड हुआ हो तो हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालना है हमने किसका, ए से एक्स को माइनस करेंगे, बी से वाई को और सी से जेड को, उसके बाद जो बचेगा उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, वह हमारा आंसर होगा। तो अब हम सम करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन आएगा, जहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी, विच व्हेन डिवाइड 378, 330 एंड 882, लीविंग सेम रिमाइंडर 3, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो डिवाइड लिखा हुआ है इस पर, तो हमने क्या निकालना है एचसीएफ। तो 378 से हम 3 मेंस करेंगे और 330 से हम 5 मेंस करेंगे
882 से हम 7 मेंस करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका हमने एचसीएफ निकालना है। तो उसके बाद हमारे पास आया है ये बच गया है सब्ट्रैक्ट करके, तो इसका हमने निकालना है एचसीएफ। तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है 875 और स्मॉलेस्ट है 325, तो इसका हमने एचसीएफ निकालना है। मैंने आपको मेथड बताया था, तो उसके लिए 875 है, इसको डिवाइड करेंगे 325 से, ठीक है ना। तो 325 से डिवाइड करना है, तो 3 पर तो ये जा नहीं सकता, 9 आ जाएगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 6, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया 5 2 2, तो इसको हम 325 से डिवाइड करेंगे, तो 225 हमारे पास आ गया 100। तो इसको हम जहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वार है 100, अंदर हमने डिवाइड करना है 225 से, तो जे गया 2 पे हमारे पास आ गया है 25, ठीक है ना। तो आगे हम 25 को करेंगे 100 से, तो जे 100 पर पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास है गया 25 है जो एचसीएफ है, 25 से भी डिविजिबल है, तो हमारा आंसर आ गया 25, ठीक है ना। तो अगला सम करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेन डिवाइड ए बी सी लीव्स एक्स रिमाइंडर इन ईच केस। तो जब कोई ऐसा सम आए जिसमें किसी भी नंबर को हम जब डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर आता है, उसके लिए हमने क्या करना होता है, उस रिमाइंडर को सब में से माइनस कर देना होता है, ठीक है ना। जो बचता है उसका एचसीएफ निकालना होता है। जैसे हमारा सम है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडिंग 277 757 3307 लीव द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जब विच डिवाइडिंग जो डिवाइड करता है 277 757 और 3307 को, तो 7 ईच केस में रिमाइंडर आता है, तो 7 को हम इन सब में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बचता है 270 750 और 3330, इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट है 3330 और सबसे स्मॉलेस्ट है 270, तो इसको हम 270 से डिवाइड कर देंगे 3330 को 270 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बच गया 630 बच गया, उसके पास 2 पे जाता है, ठीक है ना। हमारे पास बच गया 090, तो 270 जहाँ पे आ जाएगा तो ये जाएगा 3 पे 27 क्रॉस, तो 19 आ गया है हमारा एचसीएफ। 19 है जो वो 750 से डिविजिबल नहीं है, तो हम आगे निकालेंगे 750 को 90 से, ठीक है ना। तो ये जाएगा 9 9 8 72, तो हमारे पास बच गया 30, इसको हम 90 से करेंगे, तो ये 90 से कट जाता है, तो हमारा एचसीएफ आ गया है 30, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेन डिवाइड ए बी सी लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले था रिमाइंडर होता था, अब रिमाइंडर भी नहीं है, उसके लिए हमने क्या करना होता है, जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जैसे कि ए हमारा ग्रेटेस्ट है, उसको हम स्मॉलेस्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकंड स्मॉलेस्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो सेकंड ग्रेटेस्ट है उसके हम जो स्मॉलेस्ट है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनका हम एचसीएफ निकालेंगे। जैसे सम देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेन डिवाइड 333 555 777 लीव द सेम रिमाइंडर। तो इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट है 777, तो इस 777 से हम पहले
थ्री मैंस करेंगे, फिर ट्रिपल फाइव, और फिर करेंगे ट्रिपल फाइव से ट्रिपल थ्री को मैनेज। तो जो हमारे पास बचेगा उसके बाद हमारे पास बच गया ट्रिपल टू, ट्रिपल फोर और ट्रिपल टू, उसका हम एच सी एफ निकालेंगे। तो एच सी एफ निकालना है हमने ट्रिपल टू का और ट्रिपल फोर का और ट्रिपल टू का, ठीक है ना। तो सिंपली है ट्रिपल टू ही आ गया इसका एच सी एफ और वन, क्योंकि आगे कुछ निकल नहीं रहा, तो हमारा एच सी एफ आ गया ट्रिपल टू। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइड बाय 12, 15 और 20 लीव्स रिमाइंडर 4, 7 एंड 12। तो मैंने बोला था अगर डिवाइडेड बाय लिखा हो तो हमने एलसीएम फाइंड करना होता है। तो जहां पर है डिवाइडेड बाय, तो हमने जहां पर फाइंड करना है एलसीएम। अगर डिवाइड लिखा हुआ हो या डिवाइडिंग लिखा हुआ हो तो हमने एचसीएफ फाइंड करना होता है। अगर डिवाइडेड बाय लिखा हुआ हो तो हमने एलसीएफ फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 12 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 15 को 7 से और 20 को 12 से, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमने इन सभी का एलसीएफ फाइंड करना है और उसको 8 से सब्ट्रैक्ट, जो डिफरेंस आया है तीनों में सेम आता है ना, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एलसीएम आ गया है 12, 15 और 20 का एलसीएम आता है 60, क्योंकि 12 5 जा होता है 60, 15 4 जा होता है 16, 23 जा होता है 16। ये एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड होता है हमारा, हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे 3 4 पे गया और जे 5 जे 20, उसके बाद हम 4 पर करते हैं 1, 5 और 5 जहाँ पे आ गया 5, 1, 1, 1। तो 4, 5 जा कितना होता है 20, 23 जा कितना होता है 60, और 60 में से हम 8 मेंस करेंगे तो 52 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी लीव्स एक्स रिमाइंडर इन ईच केस। तो अगर सेम रिमाइंडर आता है ईच केस में, तो एलसीएम निकालेंगे सिंपली हम एबीसी का और उसमें प्लस कर देंगे जो रिमाइंडर है। तो सम करके देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 14 लीव सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो पहले हम इसके लिए एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 20 और 24 का। वैसे तो हम सीधे भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकाल के दिखाता हूँ जिनको नहीं आता है। तो 3 पे करेंगे, 4 आ गया, 5 आ गया, 20 और हमारे पास आ गया 8। उसके बाद 4 पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 5, 5 और 2। फिर उसके बाद 5 पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 1, 1 और 2। तो 2 उसके बाद होगा 1, 1, 1। तो 4, 3 जा कितना होता है 12, 12, 5 जा कितना होता है 60, 62 जा कितना होता है 120। तो 120 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 122, ठीक है ना। डेट्स ऑल गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।